दिल्ली के सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली के 30,000 कोर्ट में दो वोटर आईडी रखने का मामला दर्ज हुआ है। मामले में याचिकाकर्ता हरीश खुराना से हमारे संवाददाता सुचित्रा मुखर्जी ने खास बातचीत की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली के 30,000 कोर्ट में एक मामला दर्ज हुआ है दो वोटर आईडी रखने का, और इस मामले को दर्ज करने वाले हैं बीजेपी दिल्ली के स्पोक्स पर्सन हरीश खुराना जी, जिस पर आज सुनवाई हुई है। क्या कुछ कोर्ट में हुआ इन्हीं से जान लेते हैं। हरीश जी बताइएगा क्या कुछ है आपकी याचिका में। देखिए पिछली हियरिंग के अंदर दोनों इलेक्शन कमीशन दिल्ली और इलेक्शन कमीशन यूपी को समन किया गया था, जिनमें उनसे जवाब मांगा गया था। आज दिल्ली इलेक्शन कमीशन को आज हाजिर हुआ और अपना जवाब दाखिल कर दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन यूपी आज नहीं आया था। तो कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए 3 जुलाई अभी हियरिंग में यूपी वालों को बोला है और सख्त हिदायत दी है कि आप अपने डॉक्यूमेंट लेके आ पाएंगे और अपनी विटनेस दीजिए। लेकिन एक बात पक्की है, क्योंकि जिस हिसाब से आज जब हियरिंग के अंदर भी आज बात आई कि इट्स अ ड्यूटी ऑफ एप्लीकेंट, जिसका फर्ज बनता है अपना वोट कटवाना, जो कि सुनीता केजरीवाल डॉक्यूमेंट्स जो कह रहे हैं सुनीता केजरीवाल जी ने अपना फर्ज पूरा नहीं किया है, और कहीं ना कहीं लगता है वो जानबूझ के किया गया, क्योंकि पति का तो वोट कट गया, पत्नी का वोट नहीं कटा। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनके दिमाग में कुछ ना कुछ था। इसलिए कोर्ट 3 जुलाई की उसकी हियरिंग दी है, और मुझे लगता है कि अपनी हियरिंग के बाद कहीं ना कहीं हमें पूरी उम्मीद है कि सुनीता केजरीवाल जी के खिलाफ एक्शन होगा। तो आपकी एग्जैक्टली मांग क्या थी कि दोनों वोटर आईडी, दो दो वोटर आईडी रखे हुए हैं, क्या मांग? देखिए दो वोटर आईडी का रखना एक ऑफेंस है, इट्स अ ड्यूटी ऑफ एप्लीकेंट, जिसको उसको एक को कैंसिल करा के दूसरे में करना। यूपी के अंदर जब मैंने उनको उसको पता लगाया तो यूपी के अंदर उनका रिकॉर्ड था और दिल्ली के अंदर उनका रिकॉर्ड था, जो कि कानूनन गलत है। तो इलेक्शन कमीशन पिछली हियरिंग के अंदर इलेक्शन कमीशन यूपी और दिल्ली को समन किया गया था, दिल्ली वालों ने अपनी आज विटनेस दे दी, यूपी वालों ने आज आए, अब क्यों नहीं आए कहेंगे वो तो यूपी वाले जाने, बट अगली हियरिंग के अंदर उनको आना पड़ेगा और अपनी बात रखनी पड़ेगी। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो ड्यूटी है वो उसको अरविंद केजरीवाल की वाइफ ने पूरा नहीं किया। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ है हरीश खुराना जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल जी ने अपनी जो ड्यूटी है वो पूरी नहीं की है, क्योंकि आज एक अहम बात कोर्ट में सुनवाई के दौरान निकलकर आई है कि दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने यहां पर कहा कि ये हमारी ड्यूटी नहीं बनती, बल्कि ये एप्लीकेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना नाम जो है डिलीट करवाए अगर दो दो वोटर आईडी कार्ड होते हैं। तो ऐसे केस में सुनीता केजरीवाल जी की अगर बात करें तो उन्होंने अपना नाम डिलीट नहीं करवाया है, हालांकि उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग अगली बार उनकी गवाही होगी, इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करेंगे। देखना होगा कि आगे सुनीता केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हैं या फिर कम होती नजर आती है। मैं सुचित्रा मुखर्जी, टोटल न्यूज के लिए दिल्ली से, वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ।